कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इन्हें वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिंघाल के बना ले इन्हें शस्त्र तू। और ये लाइन तो शायद पिंक में अमिताभ बच्चन ने कही थी, लेकिन इस लाइन को कब से जी रहा है एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो कि आज सैटरडे का दिन नहीं है, गीत की गेड़ी आज के दिन सैटरडे के दिन होती है, लेकिन आज इस दिन को बदला है क्योंकि इनकी सोच इतनी बड़ी। और मुझे लगा कि यार जो इनकी सोच है, जो इनका इनिशिएटिव है, उसको देर नहीं करना चाहिए, उसके साथ आज और अभी जुड़ना चाहिए। यहाँ रद्दी से शिक्षा देने की बात है, यहाँ ओपन आइज फाउंडेशन के साथ जुड़ने की बात है, और यहाँ इनके फाउंडर से मिलने की बात है। संदीप मेरे साथ है। हाय संदीप। हेलो संदीप, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली है और 14,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि मेरे हर पिक्चर का बात है या हर कोई मैं पोस्ट करती हूँ उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। सो आज जो ये इंस्टा स्टोरी में हम एक स्टोरी बताने वाले हैं, वो फटाफट से आप इनके साथ शेयर कर दो, ताकि ये अभी के अभी ये बच्चों को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज हैं, जिनकी फैमिली शायद उनको पढ़ा नहीं सकती, लेकिन ये उनकी फैमिली बन के इसका साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि आप घर बैठे, कहीं गए नहीं, अपनी जगह पे बैठे बैठे हुए हजारों लाखों बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना इतना है, आपकी पढ़ी हुई किताब, आपका खाली पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर आपने फेंकना नहीं है, रद्दी नहीं बनाना है, उसको गूगल पे जाना है, सर्च करना है ओपन आइज फाउंडेशन, और वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है और उस नंबर पे कॉल करना है, और वो सारी चीज़ें आपने डोनेट करनी है गरीब बच्चों के लिए। आपकी एक कॉल जरूरतमंद बच्चे को शिक्षित कर सकती है। ओपन आइज फाउंडेशन का एक ऐसा ही अभियान है, रद्दी से शिक्षा, जिसमें हम चंडीगढ़ के सभी कॉलेजों में, सभी स्कूलों में जरूरतमंद बच्चों को ये सारी किताबें और कॉपियां हम उपलब्ध करवाते आ रहे हैं। तो आप भी इसका साथ और सहयोग कर सकते हैं, और इसमें सहयोग से हम लाखों बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तुमने नंबर दिया अपना? जी बिल्कुल, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, और मैं आपको नंबर अभी इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। 7508408205 नंबर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, 7508408205 रद्दी से शिक्षा। तो जो किताब कभी धूल भरी घर के किसी कोने में पड़ी है, वो शायद किसी की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि यह किताब किसी एक के साथ अटैच नहीं है, किताब अपनी कर्तव्य निभा रही है सबको एजुकेट करते हुए, और वो यही चाहती है कि इससे किसी की जिंदगी बदले। सो ये किताब जो आपके पास है, आपके घर में है, इसे रद्दी में मत दीजिए। रद्दी से शिक्षा के इस ओपन आई फाउंडेशन के संदीप के इनिशिएटिव के साथ जुड़िए, और ये इनिशिएटिव आपका भी है। जैसे बताया कि गूगल पे अगर आप ओपन आई फाउंडेशन में जाते हैं, सो वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप घर बैठे बैठे भी इनका साथ देते हैं। मैं साथ दे रही हूँ, अगर आप मुझ पर विश्वास रखते हैं सो यहाँ आप भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। जियो दिल से अवार्ड सीजन 7 भी इन्होंने जीता है, और शायद अपने इसी अच्छे से इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का सपना भी इन्होंने देखा है। सो थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए। नेहत नारायण, आपका बर्थडे, आप कह रहे हैं कि आपको विश किया जाए, सो विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पी बर्थडे। किसी की जिंदगी को हैप्पी कर जाएगी ना गुड़िया, तो अपना बर्थडे और ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और जो इतने सारे लोग हैंड वीव कर रहे हैं मुझे, और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। संदीप या लोग आपके इनिशिएटिव को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं, और इसे साथ भी दे रहे हैं। सो साथ दीजिए, हमारा इस मैसेज को आगे पहुंचाइए ओपन आई फाउंडेशन के साथ जुड़कर। मैं आरजे गीत, ट्राई सिटी की मीत आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एंड ऑलवेज लविंग मी एंड हेल्पिंग।